420 धोखाधड़ी, ये मामला है इसका। हमने भी एक वीडियो पहले भी शेयर किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेके धोखाधड़ी का सुनवाई है। इसमें फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है एक कैंडिडेट की, एक एप्लीकेंट की। अब इसमें मामला ये है कि जो शिकायतकर्ता थे, एप्लीकेंट थे, वो उन्होंने समझौता कर लिया है, और समझौता शायद कुछ लोगों के साथ ही हुआ है ऐसा प्रतीत हुआ सुनवाई से। और बट इसका लाभ मिलेगा भी, आप देखेंगे जब एक और इसमें जो को एक्यूज्ड हैं उनको बेल मिलेगी। तो देखिए, ये काफ़ी समझने के लिए है मामला कि कैसे कंप्रोमाइजेस कई बार लोगों के लिए आधार बनते हैं इस तरह के केस। ये बताइए, दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439, मी लॉर्ड, ऑफेंस अंडर सेक्शन 420, 467, 468 एंड 120B ऑफ आईपीसी। मी लॉर्ड, इन दिस केस चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड एंड मी लॉर्ड, द एप्लीकेंट इज इन जेल सिंस 5/4/2022। मी लॉर्ड, एलिगेशन अगेंस्ट द एप्लीकेंट, मी लॉर्ड, काइंडली सी द रिजेक्शन ऑर्डर पेज नंबर 10। हरियाणवी नरेंद्र हजवानी ने थाना प्रभारी तलैया, थाना तलैया के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया है कि वह ग्लोबस ग्रीन लाल घाटी में निवास करता है तथा इमामी गेट चौराहा थाना तलैया क्षेत्र में अमन इलेक्ट्रॉनिक वाले थे, समझौता हो गया था ना इनमें, दीपक चौधरी वो एक मैंने एक्यूज यही था, इसके पहले जो बेल लगी थी 439 में लगी थी, तो ये भी तो 438 में लगी थी। और जितने मेन एक्यूज्ड जे है मालोड, उसमें और कम से कम 5 से 7 लोग हैं इसमें, और इसमें और उसमें वन एक्यूज्ड था मालोड कार्तिक, जिसके स्टेटमेंट भी हुए थे मालोड, वो उसकी डेथ। कॉम्प्रोमाइज किससे हो गया था, एक आध बिल दिए इसमें कॉम्प्रोमाइज के बेसिस मालोड, आई हैव एनेक्सर A2 हां, मोहम्मद शुएब, ये हो तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज, मोनू मारन, इन सबको कॉम्प्रोमाइज के आधार पर दिए। तो क्या सिलेक्टिवली कंप्रोमाइज कर रहा है क्या, आपका कंप्रोमाइज नहीं हो पाया क्या, इनको तो 320 के आधार पर दी है। फिर इसमें एक लेटर पुलिस ने इनको भेजा था, उसमें इनने इसका रिप्लाई दिया है, इसमें अगर आप पैरिटी चाहते हैं तो उन तीनों व्यक्तियों को जिनको हमने बेल दी है उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ, 320 की एप्लीकेशन पेश हुई, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, विच वॉज रिजेक्टेड बाई द ट्रायल कोर्ट। तो रिजेक्ट किया तो उसके खिलाफ आए कि भाई, और दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज के फैक्टम को डिनाई नहीं किया, इसलिए हमने बेल दी। अब आप बता दीजिए, आपका भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है क्या, कॉम्प्रोमाइज प्रेजेंट एप्लीकेंट के साथ तो नहीं, तो देख लीजिए, वेट कर लीजिए, और क्या, आप किसके लिए हैं, ऑब्जेक्टर के लिए, कंप्लेनेंट के लिए, अमन एंटरप्राइजेस, संभावना नहीं है आप लोगों की, सर अभी दो लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, इनके मेमोरेंडम के आधार पे दो और मामले, उनकी गिरफ्तारी होने से क्या, इनका क्या, ये कब से कस्टडी में, ये 5/4/2022 से कस्टडी, 5/4/2022 से लो, उससे इनका क्या संबंध है, गिरफ्तारी अगर नहीं हो रही, पुलिस नहीं कर रही, why should he be kept in custody when three of the co-accused persons have already been let on bail and you have already entered into a compromise with them? इसको कुछ नहीं लिखिएगा, चार्जशीट पेश हो गई ना इनकी, हेलो लिखिएगा, श्री आपका शुभ नाम बताइएगा, राजेंद्र रघुवंशी, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट दीपक चौधरी, दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, केस क्राइम नंबर 607 ऑफ 21 इज रजिस्टर्ड एट पीएस तलैया डिस्ट्रिक्ट भोपाल फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 420, 467, 468 and 120B IPC. Applicant is in custody since 5/4/2022. Other co-accused, so complainant has entered into a compromise with other co-accused persons, Mohammed Shoaib, Monu Maran and Faraz Qureshi, as a result of which they have been given benefit of bail. Full stop. Shri, aapka shubh naam bataiye. Yes, ke sir. SK Sharma, appearing for the complainant, submits that two more persons are required to be arrested. Full stop. Shri Vivek Lakhera,
accepts that investigation for the present applicant is complete, charge sheet is filed, no further custodial interrogation is required in view of such facts. Criminal history hai inki? Inki criminal history nahi. No criminal, and also admits that there is no criminal history of the present applicant. One lakh to surety. इसमें दो केसेस हैं मालूम इसके पुराने. तो आपने क्यों नहीं बोला? अभी मैंने आपसे पूछा, आपने बोला नहीं है. मालूम आई हैव क्या बहस, सॉरी, क्यों नहीं देख के आते डायरी? नो मालूम आई हैव सीन मालूम, बट मालूम ये पेज हम दे दी, सॉरी मालूम. इसमें दो केस है मालूम, 600 420 का है मालूम, इसमें 2607/21 मालूम. ये तो प्रेजेंट 306 का है मालूम. 306 का क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ वन केस अंडर सेक्शन 306 आईपीसी. फुल स्टॉप. टेकिंग दीस फैक्ट्स दैट देयर इज नो केस of similar nature without commenting on merits, one lakh to surety. Okay. Number four.